हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस लर्नर। बहुत सारे बच्चों का क्वेरीज आ रहे हैं कि जो एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला था ओल्ड सिलेबस वालों का, उनका रिजल्ट का क्या हुआ, डिक्लेयर हुआ कि नहीं हुआ, और कॉलेज में अगर प्रोविजनल आ गया तो उसका अपडेट क्या है। तो बहुत सारी चीज़ों का अपडेट यहाँ पे आपको मिलेगा। आप फर्स्ट आपके क्वेरीज है कि रिजल्ट डिक्लेयर हुआ कि नहीं हुआ, तो आपका अभी जो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे हैं जो अपना वेट कर रहे रिजल्ट का, उनका अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। जो प्रॉब्लम आपको अपने डिस्प्ले पे दिख रहा है वही हमको भी यहाँ जब हम कॉलेज पोर्टल से भी हम ओपन कर रहे हैं तो सेम प्रॉब्लम आ रहा है। तो जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा आपको मिल जाएगा, और आप बिना फिक्र किए आप बस चेक करते रहिए। ये हो सकता है सर्वर प्रॉब्लम हो या फिर उनका कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो, तो सेम प्रॉब्लम कॉलेज में भी आ रहा है, कॉलेज में भी आपका प्रोविजनल रिजल्ट नहीं आया है। नेक्स्ट क्वेरीज आ रहा है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी नहीं आया, जो प्रिंसिपल्स को जो बोर्ड से कनेक्टेड रहते हैं उनको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाता है अगर कुछ भी रिजल्ट वगैरह आउट होता है, तो हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी नहीं मिला है। तो हमारा कॉलेज पोर्टल से भी सेम प्रॉब्लम शो हो रहा है। आप अपने फ्रेंड्स से या आपको भी वैसे जैसा आपके डिस्प्ले पे हो रहा है सेम हो रहा है, यहाँ पर भी हमें कुछ भी रिजल्ट, नया प्रोविजनल रिजल्ट नहीं मिला है। कुछ भी नया अपडेट आता है तो कॉलेज, आप अपने कॉलेज से कांटेक्ट में रहें, कॉलेज से मिलता है, नहीं तो हम लोग आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। और कुछ क्वेरीज आ रहा है बच्चों का रिलेटेड रिवैल्यूएशन, उसके बारे में आपको मालूम होगा, या फिर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का क्या होने वाला है, उससे रिगार्डिंग भी बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों के व्हाट्सएप पर आ रहे हैं। तो जो रिवैल्यूएशन है उसका ऑप्शन सबको मिलेगा, जो रिवैल्यूएशन न्यू सिलेबस के बच्चे हैं या ओल्ड सिलेबस के बच्चे हैं, जिनको भी कुछ भी डाउट है अपने रिजल्ट को लेके, वो रिवैल्यूएशन को अप्लाई कर सकते हैं। बट टिल अभी तक कोई लास्ट डेट वगैरह नहीं आया है, जैसे ही आएगा आपको दे दिया जाएगा, अपडेट आपको मिल जाएगा। तो दोनों ये क्लियर हो गया कि न्यू सिलेबस और जो ओल्ड सिलेबस है, दोनों भी बच्चे रिवैल्यूएशन को डाल सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और डेट जैसे रिलीज़ होगा, हमको नोटिफाई होगा, आपको कॉलेज के थ्रू दे दिया जाएगा। नेक्स्ट है, सम स्टूडेंट रिजल्ट शोइंग एब्सेंट। कुछ बच्चों का ये कंप्लेन आ रहा है कि उनका जो रिजल्ट है वो प्रेजेंट है लेकिन उनका रिजल्ट में एब्सेंट शो हो रहा है। तो आप अपने कॉलेज में अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से कांटेक्ट करें, उनको अपने प्रॉब्लम्स बताएं और स्क्रीनशॉट भी भेजें, फिर जो भी होगा कलेक्टिवली आपके प्रिंसिपल, जहाँ पे आपका सेंटर था वहाँ के प्रिंसिपल से ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी और वेरीफाई होंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। इन सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम ओल्ड एंड न्यू स्टूडेंट्स विल गेट अ चांस इफ़ रिवैल्यूएशन रिजल्ट डिक्लेयर सून। और एक क्वेश्चन आ रहा है कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में जो भी अभी बच्चों का रिजल्ट आ रहा है, चाहे वो न्यू है या ओल्ड है, उनको चांस फिर से मिलेगा कि नहीं। तो ओल्ड सिलेबस वाले या न्यू सिलेबस जिनका भी अभी एग्ज़ाम का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, फिर उसके बाद आप लोग रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करेंगे, फिर रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आएगा। अगर वो रिजल्ट आपका जो जून में सप्ली होने वाला है उससे पहले पहले अगर बोर्ड रिलीज़ करता है तो आपको चांस ज़रूर मिलेगा, इसलिए आप अपनी तैयारी रखें। सप्लीमेंट्री मोस्ट प्रोबेबली आपको न्यू सिलेबस वाले को भी और ओल्ड सिलेबस वालों को भी, दोनों को भी चांस देना चाहिए। बट ये डिपेंड करता है कि बोर्ड वाले कितना जल्दी फिर से रिवैल्यूएशन का रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। और कुछ नए अपडेट के लिए आप साइंस लर्नर चैनल से बने रहें। टिल देन टेक केयर और चेक करते रहें, डोंट वरी, आज नहीं तो कल आपका रिजल्ट आ जाएगा, और जैसे ही आएगा आपके कॉलेज वाले भी आपको इन्फॉर्म करेंगे और आपको मेरे चैनल पे भी अपडेट मिलता रहेगा। बट जिनका भी रिजल्ट जैसा भी आ रहा है वो अपने प्रिंसिपल से कांटेक्ट में बने रहें, अगर कुछ प्रॉब्लम है, एब्सेंट आ रहा है, विदहेल्ड आ रहा है, कुछ भी है, तो आपके प्रिंसिपल उस पर आगे एक्शन लेंगे। थैंक यू, टेक केयर।